हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई एम टीचिंग यू सब्जेक्ट जीके एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन लैंग्वेजेस। एज यू नो, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डिवर्स कल्चर। इंडिया एक कंट्री है डिवर्स कल्चर का, ओके? तो इट हैज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड ओवर 1000 स्पोकन लैंग्वेजेस। तो इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और 1000 से भी अधिक लैंग्वेजेस बोला जाता है, ओके? तो जो ऑफिशियली लैंग्वेज हैं वो 22 हैं, ओके? हियर इज अ वर्ड सर्च फॉर यू फाइंड आउट ऑल द ऑफिशियल लैंग्वेजेस गिवेन इन द बॉक्स। तो आप अपने बुक में देखोगे जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको सर्च करने के लिए, और यहाँ से आपको 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं ये आपको फाइंड करना है बॉक्स से जो दिया हुआ है, और फाइंड करने के बाद आपको बताना है कि कौन कौन से 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में आते हैं। तो इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं दिए हैं, तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद और स्टूडेंट्स जो होंगे वो सेंड कर सकते हैं, ओके? तो जैसा कि आपने फाइंड वर्ड्स किया था, इसमें असमीज लैंग्वेज बंगाली, ओके, डोगरी, गुजराती, हिंदी, मलयालम, संस्कृत, उड़िया, उर्दू, तेलुगु, तमिल, सिंधी, मणिपुरी। तो इस तरह से आपने 22 लैंग्वेज को फाइंड किया था ये ग्रिड बॉक्स से और सेंड किया था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं किए थे। जो स्टूडेंट्स नहीं किए हैं आप अपने बुक के हेल्प से सेंड करेंगे, ओके? तो इसी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में जो उत्तर प्रदेश का हिंदी लैंग्वेज आता है उसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स? तो हम लोग जानते हैं कि जो हिंदी भाषा है, लैंग्वेज है, वो 14 सितंबर 1949 में डिक्लेयर्ड किया गया था, और जो उर्दू लैंग्वेज है 1989 में डिक्लेयर्ड किया गया था, ओके? तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में ये दो लैंग्वेज को आधिकारिक रूप से मान्यता दिया गया था, ओके? इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस बोले जाते हैं जिसे हम बोली कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स? उसे हम लैंग्वेजेस में नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? बोली, ओके? तो उत्तर प्रदेश में जैसा कि हम जानते हैं कि 25 डिस्ट्रिक्ट होते हैं और 18 डिवीजन मीन्स मंडल होते हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे जो कौन कौन सी बोलियां कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, ओके स्टूडेंट्स? तो जो आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश में लैंग्वेज जो दिया गया था, आपको बताया गया 14 सितंबर 1949 में ये हिंदी और उर्दू 1989 में दिया गया था। और इसके अलावा और भी जो बोलियां हैं जैसे कि है खड़ी बोली, ओके, औधी, कन्नौज, ओके, कन्नौजी, लखनऊ और सॉरी ब्रजभाषा, बघेली, बुंदेली, इस तरह से 7 बोलियां बोली जाती हैं। तो ये हम बताएंगे कि ये जो 7 बोलियां बोली जाती हैं कौन कौन से जगह बोली जाती हैं। जैसे कि खड़ी बोली जो है वो बोला जाता है मुजफ्फरनगर में, बागपत में, बिजनौर में, हापुर में, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, संभाल, मुरादाबाद, रामपुर। तो इस तरह से
जो अभी आपको बताया गया ये जगहों का नाम, तो ऐसे जगहों में खड़ी बोली बोली जाती है। और हम ब्रजभाषा की बात करें तो ब्रजभाषा हम सभी लोग जानते हैं मथुरा में बोला जाता है, गौतम बुद्ध नगर, बरेली, ओके, बुलंद शहर, इटा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, कासीगंज। तो ये यहाँ पे ब्रज भाषा बोली बोली जाती है। कन्नौज, कन्नौज जी जो भाषा है, सॉरी जो बोली है वो है पीलीभील, ओके, शाहजहांपुर जो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है ये सब, और हरदोई, फारुखाबाद, कन्नौज, कानपुर रूरल एरिया में बोला जाता है, कानपुर के, औरिया, इटावा, मणिपुरी, तो ये सभी बोलियाँ कन्नौज जो बोली है ये सारे जगह में बोली जाती है। औधी की बात करें, औधी जो बोली है वो लखनऊ में बोली जाती है, कानपुर में, अंबेडकर नगर में, गोंडा, फैजाबाद, ओके, फतेहपुर, सीतापुर, अमेठी, इस तरह के, बरेली, रायबरेली ना, रायबरेली, बरेली नहीं, तो इस तरह के जगहों में औधी बोली बोली जाती है, ओके। और इसके अलावा भोजपुरी जो है, भोजपुरी भी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, ओके, बिहार में तो बोली जाती है बट उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। कुछ ऐसे जगह हैं जैसे कि बलिया में, आजमगढ़ में, गोरखपुर, ओके, भदोही, सिद्धार्थ नगर, शांति, कबीर नगर, मऊ, कुशीनगर, तो ये सारे जगहों में भोजपुरी बोली जाती है। बुंदेली बोली भी है जो जल्लौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, ऐसे जगहों में बुंदेली बोली बोली जाती है। बघेली जो है, जो हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं सोनभद्र से, तो बघेली हमारे यहाँ बोली बोली जाती है, अलाहाबाद, ओके, और मिर्जापुर, तो यहाँ पे बघेली बोली बोली जाती है, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने जान लिया जो हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त जो बोली बोली जाती है ये जान लिया। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को आपको समझा दिया और आप इसे कंप्लीट करोगे ग्रिड बॉक्स में ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस को, और कंप्लीट करने के बाद आप व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। थैंक यू।